नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलो, कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते यानी कि 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक का राशिफल कैसा रहेगा, इसे जानने के लिए हमारे साथ हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन है। तो इस हफ्ते शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी दैट इज फ्रॉम 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक। अब हम शुरुआत करते हैं एरीज दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए अगर आप ट्रैवल करेंगे और अपने काम के जो टेरिटरी है, मार्केटिंग टेरिटरी है, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे या अपने जॉब के लिए कहीं बाहर जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए या फर्दर स्टडीज़ के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन में बस एक डाउट है कि पता नहीं ये मेरा काम कैसे बनेगा, सच होगा नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। बट टैरो आपको कह रहे हैं कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे और आपका काम अच्छा रहेगा। बस आपको जो सेल्फ डाउट है, एक मैजिक वर्ड बोलते जाइए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और आप देखेंगे कि आपके रास्ते आराम से खुल भी जाएंगे। अब हम देखते हैं टॉरस दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए अ वेरी गुड टाइम विथ योर फैमिली, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ इंटीमेसी विथ योर पार्टनर। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक नया घर खरीदते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। थोड़े हार्ट ब्रेक्स है, यू मे बी अट्रैक्टिंग जेलसी और मे बी जेलस ऑफ समवन एल्स, बट एट द एंड ऑफ द डे योर मैरिज, योर वर्क, योर हेल्थ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। तो आप बस सब, अगर आपको पता है कि कौन आपसे जलते हैं या आप किसी से जलते हैं, यू जस्ट सेंड देम अ लॉट ऑफ गुडनेस, विशेज ऑफ गुडनेस एंड हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, और आप देखेंगे कि यही विशेज डबल होके आपके पास ही आते हैं। अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं जिसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स इन्वॉल्व है, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। यू नीड टू लर्न और यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि जो रिलेशनशिप्स आपके लिए नेगेटिव है, टॉक्सिक है, आपको मेंटली या फिजिकली यू हैव टू लीव इट एंड गो। मेंटली का मतलब है कि अगर वो कुछ कहे तो उनसे अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू जस्ट नो दैट्स व्हाट दे थिंक अबाउट यू, एंड वे बदल नहीं सकता है, एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर एफर्ट्स डूइंग दैट ऑल्सो। एंड फिजिकली इफ यू कैन मूव आउट फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप, आगे जाके यू मे फील हाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक, विल पीपल और वॉट द सिचुएशन विल बी लाइक, नेगेटिव नहीं, इट्स लाइक एन अननोन डेविल, बट डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टेप अहेड ऑफ यू। और आप जो काम कर रहे हैं, आप अभी अपने सक्सेस पॉइंट पर पहुंचने ही वाले हैं। डू नॉट गिव अप, परसिवियर, गो अहेड, यू आर अबाउट टू रीच योर गोल, यू विल बी एबल टू अचीव व्हाटएवर यू वांट टू। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियन की दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए वेरी गुड डिजायर, आप कुछ चाहते थे और वो आपको मिल गया है, एंड बट यू जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट टू टेक इट। अगर आप थोड़ी कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, बूस्ट योर एनर्जीज, ट्राई टू डू इट, यू नो, डू नॉट गिव अप, डू नॉट जस्ट से उसकी नेगेटिविटीज मत निकालिए, बस उसकी पॉजिटिविटीज देखिए एंड गो अहेड विद दैट, एंड यू विल सी दैट नॉट ओनली दैट यू अचीव्ड योर गोल्स, बट इंटरनली ऑल्सो यू एक्सपैंडेड योर लाइफ एंड यू फील लाइक दिस टाइम आई कैन जस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड एंड कम। अब हम देखते हैं लियो दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए गुड टाइम टू सेलिब्रेट, मे बी इट्स अ प्रेगनेंसी और अ मैरिज या कोई सक्सेस। एंड अगेन, अगर आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई ओहदा है, कोई काम है, वो आपके फेवर में भी हो जाएगा। यू आर अवेटिंग अ रिजल्ट, अ गुड न्यूज कुड बी ऑफ रिगार्डिंग हेल्थ प्रोफेशनली और पर्सनली, वो आपके पास आने वाला है, थोड़ा सा डिलेड है, बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब हम देखते हैं वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए जो सिचुएशन है, वो उसमें हाँ या ना आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देयर इज अ सिचुएशन, वो आपके लिए अच्छा है या वो आपके लिए नहीं अच्छा है, वो आप डिसाइड करेंगे कि यस, अगर मैं फेल हो गया तो विल आई बी अ मास्टर इन दिस थिंग और विल आई जस्ट बिकम अ फेलियर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट इज योर डिसीजन टू टेक। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो एक्चुअली आपके लिए सही होगा। फॉर लॉट ऑफ वर्किंग पीपल यू विल गेट अ गुड न्यूज ऑफ प्रमोशन और मे बी अ ट्रांसफर, या अगर आपने किसी कॉलेज या स्कूल में अप्लाई किया है, यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, एंड दिस इज द टाइम यू मे हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल, योर हेल्थ, इट विल डिमांड इट, एंड वेन यू मेक दैट लाइफ स्टाइल चेंजेस, यू विल सी दैट यू आर डेफिनेटली इंजॉइंग अ वेरी बेटर हेल्दी बॉडी, प्रोफेशनली एंड पर्सनली ऑल्सो यू फील मच मोर बेटर। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों का राशिफल जानेंगे। तो हमारी अगली की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न दैट इज मकर राशि वालों के लिए।
कैप्रिकॉर्न्स के लिए अपने प्लान्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं कीजिए, पहले अपने प्लान्स जब वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पे या फिनिश हो चुके हैं तभी लोगों को बताना. यू हैव टेकन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स इवन ऑफ अदर पीपल. ऐसे ऐसे काम आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए जो वो कोई और भी कर सकता है, सो स्टार्ट डेलीगेटिंग वर्क टू अदर्स एंड यू विल सी दैट योर एनर्जी इज यूज इन द राइट डायरेक्शन. वही काम वो जो आप कर सकते हो, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता, अगर उस पर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली वट एवर डिजायर्स एंड गोल्स आर वी बी एबल टू अचीव दैम एंड यू कम टू अ पॉइंट इन लाइफ है फाइनेंशियली आर वेरी हैप्पी, इमोशनली आर वेरी हैप्पी. इवन इफ यू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स एंड यू नो गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट, यू विल फील वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड दिस इज दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस दैट वी ऑल क्रेव टू अचीव एंड दिस इज वॉट यू गोइंग टू अचीव दिस वीक. अब हम देखते हैं एक्वेरियस दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस के लिए एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग विल कम ट्रू फॉर यू, सो एग्जैक्टली जस्ट थिंक पॉजिटिव थिंग्स एंड अफर्म दैट गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन टू मी. आपके यू विल क्रिएट अ सिस्टरहुड और अ बॉन्ड विथ योर फ्रेंड्स योर फैमिली. आपके कोई बचपन के फ्रेंड्स आपके काम में आ सकते हैं या इवन इफ यू आर प्लान टू गेट मैरिड यू गेट मैरिड टू समवन जिसका बचपन में आपका कोई अच्छा लिंक होगा या सम कनेक्ट होगा. देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन फ्रंट ऑफ यू बट यू हैव इट इन यू द कॉन्फिडेंस एंड यू हैव द बैकअप ऑफ योर मेंटर्स फैमिलीज एंड फ्रेंड्स दैट यू विल बी एबल टू अचीव. यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड चैलेंज एंड आउटसाइड जैसे हम कहते हैं डर के आगे जीत है, आपकी जीत निश्चित ही है. अब हम देखते हैं पाइसियंस दैट इज मेन राशि वालों के लिए. पाइसियंस के लिए यू कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन, जैसे कुड बी इवन स्मोकिंग ड्रिंकिंग के बिसाइड्स ओवर थिंकिंग, कैन बी इवन ओवर ईटिंग, कैन बी इवन नॉट ईटिंग, कैन बी इवन अबाउट यू नो देर इज अ सर्टन वे दैट यू वॉन्ट पीपल टू बिहेव विथ यू. अगर आप इसमें अपने चेंजेस ला सकेंगे यू विल सी यू फील वेरी कंफर्टेबल बींग इन द स्पेस दैट यू आर. जो भी आपके प्लान्स हैं वो मैनिफेस्ट जरूर हो रहे हैं बट देर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन बिटवीन. सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रही है. मैजिक वर्ड्स इससे अच्छा क्या हो सकता है बोलिए और आगे बढ़िए. अ फ्यू ऑफ यू कैन बी हैविंग आई इश्यूज, इट्स बेटर टू गेट योर आईज चेक्ड अप एंड दे कुड बी माइग्रेन इश्यूज विच कैन बी इवन क्लीन बाय योगा. तो आखिर की तीन राशियां यानी कि लिब्रा स्कॉर्पियो सैजिटेरियस, इसके बारे में हमारी टैरो कार्ड रीडर कृतिका जी महाजन जी हमें क्या बताती हैं, आइए सुनते हैं. अब आ रही आती है लीब्रंस की दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रंस के लिए आपके लाइफ में कुछ खोया है पर उसका आपको दो अपॉर्चुनिटीज भी मिली है, पर आप बस जो खोया है उसी को देख रहे, थोड़ा ईगो को कट कीजिए. यू नीड टू सी द अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड एक्सेप्ट देम बिकॉज दोज अपॉर्चुनिटीज दिखने में अच्छे नहीं है पर दे एक्चुअली गुड फॉर यू. इनफैक्ट आपके प्रोग्रेस रेट पर आप जहाँ पे भी विच एवर लेवल ऑफ लाइफ यू आर, थैंक एवरीबडी हु हैज़ बीन योर स्टेपिंग सक्सेस स्टोन. पीपल हैव रिजेक्टेड यू, हु एक्सेप्टेड यू, हु हैव गाइडेड यू, हु हैव नॉट गाइडेड यू. अगर आप सबको ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू भी करेंगे बिकॉज एवरीबडी इज योर टीचर एंड बिकॉज ऑफ देम यू आर देयर वेयर यू आर, यू विल सी दैट यू विल इवन गो टू ग्रेटर हाइट्स वेरी सून. अगर हेल्थ पर्पजेस के लिए आप कहीं बाहर अपनी सिटी के बाहर किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल की रिकमेंडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए वेरी वेल अ वेरी हैप्पी लाइफ. यू हैव अ गुड मेंटोर, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, द बॉन्डिंग इन द फैमिली, किड्स हेल्थ, एवरीथिंग इज परफेक्ट. इनफैक्ट आपके बिजनेस में भी आपके नाम के वजह से और काम आ रहा है. दिस इज द टाइम व्हेन यू बिकम एन एंजल. आप अगर आप कहीं देखते हो कि मन मुटाव हो रहा है, यू बिकम द एंजल, ट्राई टू put people together by praising each other. Even if you have to say this one is saying nice about you, that one but said nice things about you, taki wo dono thode relax ho jaye and you can bond people together. This is the best thing about you. Again, international trip is on the cards. Aapne koi unfinished kaam bhi aapka complete hoga. If you want to write a book or you want to create an app or you want to create some product which has your name, this is a good time to do so. Ab hum dekhte hain Sagittarian that is Dhanu Rashi walon ke liye. Sagittarians के लिए यू आर जस्ट फीलिंग अ लिटिल लेट डाउन बिकॉज ये दिस इज अ चाइल्डहुड इशू दैट वेन एवर सम न्यू वर्क हैज टू स्टार्ट यू स्टार्ट फीलिंग वेरी एंशियस अबाउट इट. अगेन इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग डू सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, डू सम डीप ब्रीदिंग, यू विल सी द डे विल गो वेरी वेल. बैक इशूज आ सकते हैं, फॉर दैट फिजियोथेरेपी, योगा, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी. अगर आप थोड़े से लाइफ स्टाइल चेंजेस करेंगे देन यू विल सी दैट यू विल बिकम वट एवर योर गोल्स आर, यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू अचीव देम वेरी हैप्पीली एंड वेरी इजिली. तो इस हफ्ते कैसा रहेगा हमारा राशिफल, ये तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान लिया. अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक में. इस हफ्ते वो हमें क्या गाइड करती है? अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज ट्राइंग टू टेल यू दैट डू नॉट लुक इन द पास्ट. हम सभी बोलते हैं तो वॉट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पास्ट
जस्ट लर्न दैट वॉट एवर हैपन वॉज परफेक्ट फॉर मी. जो भी हुआ है, जिसने मुझे डिच किया है, जिसने मुझे एक्सेप्ट किया है, जिसने मुझे प्यार किया है, धोखा दिया है, एवरीबडी वॉज परफेक्ट बिकॉज दैट वॉज अ गेम प्लान ऑफ योर लाइफ टू मूव अहेड. इवन इट्स द स्प्रिंग दैट आपको ना सक्सेस पे लेके आती है. थैंक एवरीबडी एंड स्टार्ट विद अ न्यू स्लेट. से टुडे, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू बी दिस पर्सन हु इज एब्सोल्युटली हेल्दी, हु इज एब्सोल्युटली, मेरे में विजडम है टू हैंडल सिचुएशंस एंड पीपल. आई कैन हैंडल माई स्पाउस, माई फैमिली, माई एक्सटेंडेड फैमिली, माई इन-लॉज एक्सेट्रा. आई एम समवन हु हैज इनफ मनी, मेरे को जो पैसे चाहिए होता है वो आ जाते हैं. आई एम वेल्दी, आई हैव द विजडम टू हैंडल मनी वेरी वाइजली. अगर आप अपने लिए ऐसे अफर्मेशंस रखेंगे, आगे जाके फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स यू क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल लाइफ फॉर योरसेल्फ. सो नो मैटर वॉट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, हम डेस्टिनी को अपने डायरेक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अफर्मिंग एवरी डे वॉट यू वॉन्ट टू सी एंड वेयर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ 10 years फ्रॉम हेंस. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, आप सब अपने ये अफर्मेशन लाइए कि जो हुआ जैसा हुआ ठीक हुआ, पर अब जो आगे होगा मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है. जैसा भी होगा वो पॉजिटिविटी के साथ होगा. इसी मैनिफेस्टेशन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, देखिए आपका सारा काम होता रहेगा. इसी के साथ मैं खुशबू थपलू आप सबसे विदा लेती हूँ. आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. धन्यवाद.